आप में से कई सारे ऐसे युवा हैं, उनको एक विशेष प्रकार का एक संदेश जो है वो भी मैं देना चाहूँगा। कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पढ़ना है तो कैसे करना है, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, ऐसा मुझे बताइए। तो मैं उनको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक रेगिस्तान है, बहुत घना रेगिस्तान है, धूप का समय है, रेगिस्तान के ये बीच में इतना बड़ा रेगिस्तान का पार्ट है, रेगिस्तान के इधर एक व्यक्ति खड़ा है जो बहुत प्यासा है, और ये रेगिस्तान के पार यहां पर एक प्याऊ है, पानी की प्याऊ है, वो बड़ा प्यासा है, उस पानी की प्याऊ तक उसको वहां पर पहुंचना है। लेकिन बीच में जो रास्ते के अंदर जो है वो बहुत सारे माइंस में बम जो है वो बिछे हुए हैं, भीतर अंदर डले हुए हैं। अब वो चलेगा तो कहां पे बम पे पैर उसका पड़ के वो खुद ही फट जाएगा, बिखर जाएगा, ये कह नहीं सकते, भयानक स्थिति है। उसको वहां तक पहुंचना है। अब ऐसे में अच्छा वहां पर क्या है कि प्याऊ के ऊपर वो इधर से देख रहा है कि वहां पर एक दो लोग जो है वहां पे पहले से पानी पी रहे हैं, प्याऊ पर खड़े हैं पानी पी रहे हैं, वो यहां से वहां तक पहुंचे हुए पानी पी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका वहां तक पहुंचने का क्या होगा? आप में से कोई भी हाथ खड़ा करो, उनको अनम्यूट करके मैं पूछता हूं, जरा इंटरेक्शन भी करते हैं, बताइए जरा। सबसे ज्यादा मैंने बताया एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बाहर आप पानी प्यासा आदमी खड़ा है और उसको प्याऊ तक पहुंचना है, और पहुंचने का रास्ता बड़ा विकट है, बीच बीच में जो है वो बम बिछे हुए हैं, कहीं पे भी पैर लगा फट जाएगा, लेकिन दो लोग वहां पे पहुंच गए हैं पानी पी रहे हैं। किसी को भी अनम्यूट करिए हम में से। हाँ सर, उसमें पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पहुंच सकते हैं, वो भी गए हैं, तो पद चिन्ह तो रेगिस्तान में कहीं न कहीं हुए ही होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम आपका, कहां से हो आप? नरेंद्र विश्नोई जोधपुर से ही हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो नरेंद्र बिश्नोई जी ने जो बात कही है बहुत सीधी बात है, कईयों के दिमाग में आई होगी, कईयों ने हैंडसेप किया है। हम क्या कई बार क्या है कि सर हितेंद्र गोयल जी ने इतना ज्ञान दिया, बाकी सब ने भी ज्ञान दिया, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, हमें क्या है कईयों को सभी बातें पता है, ज्ञान सबको है, लेकिन क्या है कि उस पर क्रिया नहीं करते। सबसे आसान और सीधा मार्ग है, अगर आपको जीवन में अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो देखिए ना कि कौन वहां पे पहले पी प्याऊ का पानी इन्होंने पिया।